देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक युवक को कुल्हाड़ी से काटकर जख्मी कर दिया है। घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गिरजा चौक के रहने वाले अभिषेक कुमार अपने कुछ साथियों के साथ जमीन मापी कराने के लिए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरिता विहार के समीप गए थे। उसी क्रम में राम शरण शर्मा अपने कुछ सहयोगियों के साथ कुल्हाड़ी और दबिया से उस पर हमला कर दिया और उसे एक रूम में बंद कर दिया। घायल युवक ने बताया कि कुल्हाड़ी और दबिया से उसके हाथ और पैर काट दिया गया है। वहीं घायल युवक के साथी घटना की सूचना थाने को दी, तब जाकर मौके पर पुलिस पहुंचकर युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच में जुट गई है। सर, हमें जमीन पे मापी कराने के लिए गए थे, वो जमीन का हमारे पास के वाला भी था, लोकेशन भी था, रसीद भी था, सारा पेपर अब तो गेट का ठीक है। तो हमने मुफस्सिल थाना के ऊपर सूचना दी थी कि अगर हमें जमीन पे मापी करानी है ठीक है, तो इसी क्रम में जो है जो उसका भाई ने गाली देने वाले इसी क्रम में हाथापाई जिस क्रम में उसका भाई जो तीनों भाई थे दरिया में और काटना शुरू कर काट के पैर सब कुल्हाड़ी है सब मार मार के पैर सब काट के पैर आते जो नापी जो कराने गए थे आप अकेले थे या और लोग भी थे आपके साथ? हमारे साथ और भी साथी लोग थे। वो लोग फिर वो लोग जो है ना हथियार के साथ थे जो तीनों भाई थे। अब वो तो आपको जो मारे या आपको काटे तो वो हथियार के साथ, आपके साथ जो लोग गए थे वो लोग तो निकल गए सर, वो लोग बचाने का प्रयास किए लेकिन सब तरफ खंती तीनों भाई मिलते खंती लड़िया चलाने लगा तो उस क्रम में वो लोग मतलब अपने जान को बचाने के लिए स्पॉट से निकल गए मिलकर सर तीनों भाई मिलकर काटा पैर और दिन में दो घंटा जब बंद किया था, दो घंटा के बाद मुफस्सिल थाना से पहुँचा। थाना को कैसे पता चला? कि थाना को सूचना दिया गया है मेरे मित्र ने। ये जमीन कहाँ है? अभी सर जो बाहर गाली ब्लर मेरे साथ था और बोलता है सीधा पर वो कौन लोग थे और ये जमीन कहाँ थी? वो लोग सिया राम शंकर सर है, विपिन कुमार डिफेंस पर आर्मी में है और उसका अपना खास भाई था, तीनों भाई मिलकर होता था। कहाँ का मामला है? सर सरिता विहार के पास बाईपास रोड सरिता विहार। मामला थाना में दर्ज हो गया आपका जी। आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ।